सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीडियो में। मैं विनोबर, आज हम इस वीडियो में यहाँ पर लेकर 27 नवंबर से रिलेटेड वापस जितने भी करंट का क्वेश्चन सुनो सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो इस वीडियो की शुरुआत से पहले आपको हम बता देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके PDF के लिंक भी मिल जाएगी, आप उसे भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारे ऐसे में पहला सवाल है वह है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी जो कि है 26 नवंबर। हाल ही में 26 नवंबर को वहाँ पर नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया गया। यह इसी दिन बेसिकली यानी 26 नवंबर को ही जो वहाँ पर श्वेत क्रांति है उसकी शुरुआत की गई थी जो कि और यह श्वेत क्रांति जो है ना जिसे हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, यह किनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो यह वर्गीज कुरियन के द्वारा, ठीक है, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई थी व्हाइट रिवॉल्यूशन की, ठीक है। इसके अंतर्गत तो ये हमने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को है ना, किस अवसर पर? तो इसी दिन जो है वहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई थी, किनके द्वारा? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी इफी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अंतर्गत विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है सलीम खान, ठीक है। सलीम खान साहब को इफ्फी 2018 के अंतर्गत विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हुआ कि हाल ही में क्षेत्रीय एकीकृत बहु खतरे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने किस चक्रवात को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चक्रवात घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है तितली। तितली नामक चक्रवात जो है यह उड़ीसा में आया था, ठीक है, उड़ीसा में आया था। कब आया था? तो अक्टूबर के महीने में आया था। तो ये डबल वो है तो याद हो जाएगा इससे आपको, है ना, तितली तूफान कहाँ आया था? उड़ीसा में आया था। और कब आया था? तो अक्टूबर 2018 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में सी के जफर शरीफ का 25 नवंबर 2018 को बेंगलुरु में निधन हो गया, वह एक डैश थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वह एक राजनीतिक ही थे। अब राजनीतिक से यहाँ पर आपको हम बता दें कि सी के जफर शरीफ जो है ना ये 1991 से लेकर 95 तक जो पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उसकी उस सरकार के अंतर्गत ये जो है वहां पर रेल मिनिस्टर थे, ठीक है, रेल मिनिस्टर के रूप में यह कार्यरत रह चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो है पर हमारा क्वेश्चन है वह है कि उत्तर प्रदेश ने किस शहर में भगवान राम की भव्य मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी जो कि है अयोध्या, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो कि क्या है? अयोध्या। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर ले तो यह जो भगवान राम की प्रतिमा होगी, ठीक है, जो कि पीतल से बना होगा, ठीक है, यह किससे बना होगा? पीतल से बना होगा। और इसकी जो ऊंचाई है यानी कि इसकी जो हम लंबाई कहें वह तकरीबन 151 मीटर्स की, ठीक है, 151 मीटर्स की इसकी जो ऊंचाई है। इसके अलावा इसी जो मूर्ति है भगवान श्री राम की उस मूर्ति के ऊपर, ठीक है, एक छतरी भी है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 20 मीटर की है, ठीक है। तो ऐसे में इस पूरे मूर्ति का यदि ऊंचाई देखा जाए, ठीक है, तो यह कितना हो जाता है? 171 मीटर, ठीक है, 171 मीटर ऊंचाई की यह मूर्ति है, ठीक है, भगवान राम की, जिसे कहां वहां पर स्थापित करने के लिए वहां पर प्रस्ताव रखा गया है? तो यह अयोध्या। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में किसे CEC अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जो कि है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जी को यहां पर हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने की है, ठीक है। इसके बाद आपको हम बता दें कि श्री सुनील अरोड़ा जी जो है वह दिसंबर 2018, ठीक है, यह जो श्री सुनील अरोड़ा का जो यहाँ पर 2 साल तक का कार्यकाल होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर 2 दिसंबर 2018 को ये अपना पदभार संभालेंगे,
यह वर्तमान में जो है वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर भी, वर्तमान में यह इलेक्शन कमिश्नर है जिन्हें अब मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के रूप में वहाँ पर नियुक्त किया गया है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन वह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी जो कि है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर हाल ही में लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह नवीन पटनायक। ठीक है, अब बात करते हैं यह लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना के बारे में। तो इसका जो यहाँ पर इस परियोजना के अंतर्गत जो वहाँ पर जो भी उपयोगकर्ता होंगे, जो भी वहाँ पर साइकिल चलाना चाहते हैं, ठीक है, उस साइकिल का वहाँ पर पता लगाने, ठीक है, और इसके उपयोग करने के लिए वहाँ पर एक एप्लीकेशन भी इसी के साथ लॉन्च किया गया है ना, जिसका नाम क्या है? तो मो साइकिल। ठीक है, इसका नाम क्या है? मो साइकिल नामक एक एप्लीकेशन भी वहाँ पर लॉन्च की गई है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में AERB अर्थात एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नागेश्वर राव। ठीक है, नागेश्वर राव के जी को जो वहाँ पर AERB अर्थात एटमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का वहाँ पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में कुछ और बात करें यहाँ पर, तो इनका जो कार्यकाल होगा, ठीक है, वह कितने साल का? तो यह 3 इयर्स का जो इनका जो ये टेन्योर होगा, ठीक है, 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो यहाँ पर हमारा प्रश्न है वह है कि हाल ही में किस राज्य में हौसला 2018 नामक बाल समारोह का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है नई दिल्ली। नई दिल्ली गवर्नमेंट ने वहाँ पर इसकी शुरुआत की है। इसका जो उद्घाटन है वह किया है, इसका जो उद्घाटन वह किया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आपको बता दें कि मेनका गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है बच्चों को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि इस बार यानी हौसला 2018 का इस बार का जो थीम था वह था बाल सुरक्षा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन है वह है कि पर्यटक पुलिस नामक परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा वहां पर शुरू की गई है? और यह दूसरा उत्तर पूर्व राज्य भी बन गया है जिसने वहां पर पर्यटक पुलिस नामक परियोजना की शुरुआत की है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी जो कि है नागालैंड। ये दूसरा ऐसा उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है जिसने पर्यटक पुलिस की शुरुआत की है वहां पर। वैसे में सवाल आता है कि पहला कौन है? तो पहले नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश और दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर नागालैंड, यानी सेकेंड में वहां पर नागालैंड में इसकी शुरुआत की गई, जिसका सही आंसर भी नागालैंड होगा। ठीक है, पर्यटक पुलिस के बारे में बात करें या इस परियोजना के अंतर्गत क्या है, तो इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है पर्यटकों की सुरक्षा के लिए काम करेगी। इसके अलावा उनके खिलाफ किसी भी अपराध की रिपोर्ट जो है वह निकटतम पुलिस स्टेशन में वहां पर रखी जाएगी। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया। तो अब हम देख लेते हैं ऐसे में आज का जो हमारा सवाल है, तो आज का जो हमारा सवाल है वह है कि हाल ही में किसे राज्य सरकार ने मैत्री दिवस मनाई है, यानी किस राज्य सरकार ने यहाँ पर मैत्री दिवस के रूप में मनाई है? तो आपको बताना है इसका आंसर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। तो समय बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।